नाबार्ड द्वारा शिमला में वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार प्रबोध सक्सेना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सेमिनार में महिला सशक्तिकरण और किसान व बागवानी के क्षेत्र पर प्रमुखता से चर्चा की गई। सेमिनार में बैंक द्वारा लोन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी मंथन किया गया। नाबार्ड के महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने बताया कि नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के तहत राज्य में 31,971.20 करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह की संभावना का आंकलन किया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.59% अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में 125 किसान उत्पाद संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 125 किसान उत्पाद संगठनों को बढ़ावा दिया गया है। बागवानी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन से किसानों की आय बढ़ाने पर बल दिया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत सभी किसानों और उत्पादकों के साथ साथ बैंकों को इस संबंध में अधिक उत्पादन के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा प्रदेश के कुल किसानों में से केवल 50% किसानों को ही बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल पा रही है। उन्होंने बैंकों से शेष बचे किसानों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। लोनिंग के तहत में नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि जो भी हमारा लोन का प्रोसेस है उसको बहुत सिंपल कर दिया जाए। ठीक है, अभी आप जानते होंगे लोनिंग के सिलसिले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक और सर्कुलर लाया था सब बैंकों के लिए कि भाई 1.60 लाख के तहत अगर कोई लोन होगा उसका कोई कोलैटरल नहीं लेना है। तो ये जितने भी हमारे जो किसान हैं या जितनी भी महिलाएं हैं इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो पहला जो होता था इशू कि भाई आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक लोन नहीं देती है, बट अब बैंक बहुत बढ़ चढ़ के लोन देते हैं क्योंकि जो स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो बहुत फ्लेक्सिबल कर दी गई है। अब हो ये रहा है कि अब बैंक लोगों के पीछे या महिलाओं के पीछे जा रहे हैं कि आप हमारे से लोन लीजिए, ये सिस्टम आ गया है। सीडी ग्रोथ फोकस कर रहा है, सीडी रेशियो में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर आप देखें जो हमने प्रेजेंटेशन किया, जितना अगर एग्रीकल्चर का अगर आप पिछले साल का 8,855 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है, इसमें 82% डिसबर्समेंट जो है क्रॉप लोन है, मतलब खेती पैदा करने के लिए लोन दिया गया है, और 18% जो है वो टर्म लोन है। टर्म लोन क्या होता है, टर्म लोन एक साल से ज्यादा 5 साल 7 साल के लिए होता है। तो अगर जो लोन 5 साल 7 साल के लिए है इसका मतलब उसका आउटस्टैंडिंग ज्यादा देर तक रहेगा। तो अगर बैंक इसके ऊपर फोकस करेंगे तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। जब आउटस्टैंडिंग बढ़ता है तो जो बैंकों का सीडी रेशियो वो बढ़ जाता है, क्योंकि सीडी रेशियो है क्रेडिट अपॉन डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट तो बढ़ ही रहा बैंकों का, बट जो शॉर्ट टर्म में जो बैंक लेंड कर रहे हैं उनका क्या हो रहा है, एक साल लेते हैं और एक साल के बाद वापस कर देते हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो कम रहता है। तो इसलिए हम इस सेमिनार में फोकस कर रहे हैं कि आप टर्म लोन पे ज्यादा फोकस करें ताकि आपका आउटस्टैंडिंग ज्यादा देर तक रहे और उससे आपका सीडी रेशियो बढ़े। तो अभी ये सिचुएशन है कि 8 डिस्ट्रिक्ट हैं 12 में से जिनका सीडी रेशियो 40 से कम है, जबकि हमारा जो सीडी रेशियो है वो 7% है। तो जब कहते हैं कि अगर 40% से नीचे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सीडी रेशियो हो तो उसमें हमारे को स्पेशल कमेटी बनानी है इस चीज को एड्रेस करने के लिए। तो हर एक स्टेट में सब कमेटी ऑफ डीसीसी बनी हुई है जो कि लो सीडी रेशियो के इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं उसके लिए मंथन करती है। सर, ग्रामीण समृद्धि विकास को लेकर बात करें तो किन योजनाओं पर गौर फरमाया जा रहा है? ग्रामीण समृद्धि में तो अब जो कैनवास है बहुत बड़ा हो गया है। अभी अगर आप देखें लोन मतलब प्रोडक्शन में ले लो तो हमारा इतना सब्सिडाइज लोन्स मिल रहे हैं 7% और अल्टीमेटली 3% पे मिल रहे हैं। फिर अगर आप उसका उसकी प्रोडक्शन के बाद अगर प्रोसेसिंग में आए तो एग्रीगेशन में और मार्केटिंग में हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इवन जो हमारी सोसाइटीज हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप फील्ड लेवल पे अपने धरतल पे जाके जितना भी मार्केट सरप्लस है हमारे गांव में उसको आप मॉप अप करिए और उसको आप मार्केटिंग में लाइए। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, आप पीएम संपदा ले लीजिए, आप मत्स्य योजना ले लीजिए, आप एफएमई जो पीएम एफएमई स्कीम है, ये सब इंटरेस्ट सबवेंशन या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है 1 लाख करोड़ का फंड है जिसमें हम 9% पे लोन देते हैं, जो बैंकों को प्रिस्क्राइब किया कि आप 9% पे लोन देंगे और उसमें 3% का सबवेंशन है। ठीक है, प्लस क्रेडिट गारंटी है। तो ये सब बेनिफिट जो है ये यही ड्राइव करते हैं कि आप टर्म लेंडिंग पे जाओ, प्रोसेसिंग के ऊपर जाओ ताकि हमें उससे ज्यादा इनकम।
ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।